अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी काफी अच्छी है इसकी, जैसे कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ अनु सिंह, सेकंड एमबीबीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ जीएमसी बदायूं, लाइक अबाउट द कॉलेज, हॉस्पिटल, पीजी, गुड कनेक्टिविटी ऑफ द कॉलेज एरिया एंड कैडेवर्स अवेलेबल इन द एनाटॉमी डिपार्टमेंट। सो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं लाता रहूँ आप तक। और बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात अगर करें एकेडमिक ब्लॉक की, या फिर हमारा जो कॉलेज मेन है जहाँ पर हमारी क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर आपको 6th फ्लोर का पूरा मिल जाएगा वो। उसके बाद आपको लाइब्रेरी वहीं अवेलेबल है, एग्जामिनेशन हॉल या फिर मल्टीपर्पज़ हॉल वहीं पर है, एंड कैंटीन भी है वहीं पर, एंड बाकी सारी चीज़ें लाइक लैब्स जो होती हैं हमारी, एंड डेमो रूम्स में जितनी भी हमारे यू नो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं वो भी वहीं पर होते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको एकेडमिक ब्लॉक में देखने को मिलेंगी। एंड उसके बाद अगर हम हॉस्पिटल में आते हैं, जो भी हमारा क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो हमें हॉस्पिटल में मिलता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ बेड्स आर देयर, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि 1200 टू 1600 पेशेंट पर डे यहाँ पर आ जाते हैं। एंड उसके बाद अगर बात करें कि हमारी जो यहाँ पर पीजी की सीट्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, लाइक 4 डिप्लोमा की सीट्स हैं डीएनबी पीडियाट्रिक्स की, तो ये भी काफ़ी यू नो अच्छी चीज़ है। लाइक ग्रो कर रहा है हमारा कॉलेज इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर्स एंड इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस ऑफ द सेम टाइम, लाइक अबाउट द 2019। एंड अगर हॉस्पिटल की बात करें तो जो हॉस्पिटल था ये वर्किंग है 2016 से ही, दो अभी प्रॉपर इसमें 2019 से इसमें बैचेस आए एंड उसके बाद प्रॉपर क्लासेस शुरू हुई, पढ़ाई शुरू हुई, ये सारी चीज़ें तब शुरू हुई थी। लेकिन हॉस्पिटल हमारा 2016 में ही शुरू हो चुका था। एंड उसके बाद अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है इसकी, जैसे कि नैनीताल से 5 to 6 आवर्स की डिस्टेंस पे है, 1 to 1.5 आवर की डिस्टेंस पे बरेली से है, एंड अबाउट 4 आवर की डिस्टेंस पे ये आगरा से है, एंड 5 to 6 आवर की डिस्टेंस भी ये दिल्ली से है। तो कनेक्टिविटी काफ़ी बेटर है, एंड कॉलेज के जस्ट बाहर निकलते ही आपको बस मिल जाती है, लाइक मेजर सिटीज़ के लिए, बरेली के लिए, आगरा के लिए, दिल्ली के लिए, मेरठ के लिए। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं होता है, लाइक यू नो जो अगल बगल के सिटीज़ वहीं बहुत आसानी से आपको बस मिल जाती है। उसके बाद एरिया की बात करें तो एरिया यहाँ का 100 एकर्स है, दो अभी भी कंस्ट्रक्शन में है, एंड 2024 में इसका एग्रीमेंट है कि वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर LTs की, जैसे मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर जो लेक्चर थिएटर्स हैं वो कितने हैं एंड किस तरीके से वो वर्किंग हैं या नहीं है, तो टोटल लेक्चर थिएटर जो हैं वो 4 हैं, जिनमें से 3 वर्किंग कंडीशन में हैं, एंड मोस्टली हमारी क्लासेस वहीं पर लगती हैं। एंड लिफ्ट भी अवेलेबल है विद इन द सेम ब्लॉक, डैट इज़ इन द अकेडमी ब्लॉक एंड ऑल्सो इन द हॉस्पिटल बट नॉट इन द हॉस्टल्स। एंड कैडिवर्स की बात अगर करें तो कैडिवर्स आपको 2 मिलते हैं यहाँ पर डिसेक्शन करने के लिए, एंड ये बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर न्यूली ओपन कॉलेज जहाँ पर आपको यू नो प्रॉपर कैडिवर्स भी नहीं मिलते हैं। लाइक मैं एक कॉलेज का बात करूँ एटा, तो एटा में यू नो मैंने ये चीज़ पता की थी कि वहाँ पर आपको प्रॉपर कैडिवर नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको अपर लिम, लोअर लिम और दूसरे ऑर्गन्स अलग से मिलते हैं पढ़ने के लिए, बट एक कैडिवर फॉर्म में नहीं मिलता है वो चीज़। सो अगर आपको कैडिवर फॉर्म में मिलता है तो वो एक बेटर होता है इन कंपैरिजन टू अगर ऑर्गन्स मिल रहे हैं यहाँ पर पूरा, आप यू नो उसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो आप देख सकते हैं, तो दैट इज़ फार बेटर देन दैट। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में आपको एक बालकनी मिलती है, 2-सीटर रूम मिलता है, 1 चेयर 1 टेबल 1 बेड एंड 1 मैट्रेस विद अ पिलो। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉस्टल मिलती हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको अपनी खुद के लिए लेके जाने पड़ती हैं उसके अकॉर्डिंग ही। हॉस्टल तो बहुत पास में एकेडमिक ब्लॉक के भी और हॉस्पिटल के पास में भी, एकेडमिक ब्लॉक और हॉस्पिटल दोनों बहुत पास पास में हैं, तो मतलब दोनों के पास में हो जाता है एंड काफ़ी बेटर होती है ये चीज़। लाइक अगर आपको पोस्टिंग्स भी जाना है, आपको क्लासेस अटेंड करने जाना है एंड जितनी भी अगल बगल की चीज़ें सब कुछ आपको पास में मिल जाती हैं, तो इधर उधर दूर नहीं जाना पड़ता है आपको कहीं, बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे। लाइक गर्ल्स हॉस्टल हमारा थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है एकेडमिक ब्लॉक के, और बॉयज़ हॉस्टल थोड़ा सा बगल में है। वॉशरूम्स हर फ्लोर में एक एक अवेलेबल होता है, एंड लाइक एक पूरा सिंगल हॉस्टल है वहीं पर चारों बैचेस रहते हैं, लाइक 2019, 2020, 2021 एंड 2022, ये चारों बैचेस उसी सेम हॉस्टल में रहते हैं। JR का हमारा हॉस्टल अलग है और उसमें कुछ SRs भी रहते हैं, एंड Type 3 प्रॉपर SRs के लिए, लाइक जिनकी फैमिलीज़ वगैरह रहती हैं वो Type 3 बना हुआ है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी था जो मेरी कैंपस व्लॉग था उसमें, एंड गर्ल्स हॉस्टल भी उसके पास में ही पड़ता है। एंड उसके बाद अगर बात करें, जैसे कि कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर शॉप्स हैं कि नहीं, लाइक जिससे कि हम चीज़ें यहाँ पर अगर कुछ खरीदनी, ग्रॉसरीज खरीदनी, तो डेफ़िनेटली आपको गेट से जैसे ही निकलेंगे तो वहाँ पर आपको शॉप्स मिलेंगी ग्रॉसरी की, एंड खाने पीने की जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वहाँ पर आप ले सकते हैं। So that was all, and I think
काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया एंड जितनी भी चीज़ें आपको लगती हैं कि मिसिंग है या फिर मैं और आपको बताऊं, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड फैकल्टी के लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे कॉलेज से आई है, लाइक एम्स से, KGMU से, AMU से, GSVM एंड मैनी मोर जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं वहाँ से हमारी आई है फैकल्टी, तो वो पढ़ाते भी अच्छा है, फिर चाहे वो फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, ठीक है। अब बाकी मेनली आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।